रात के मुद्दे हैं यहाँ विश्वविद्यालय है। हाँ। मेन मुद्दा बता रहे हैं जो जनता की नज़र में है जी। और यहाँ एक रेलवे लाइन रेल और बेरोजगारों को रोजगार, ये सबसे बड़ी समस्या। युवा पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है जी, बिल्कुल अंधकार में है। क्या करेगी युवा पीढ़ी? समस्याएं बहुत हैं, वो समस्या काफी है। चुनाव के बाद फिर कुछ दिखाते भी नहीं, बस दिखा नहीं। एक बार पहुंचते हैं, उन्हें कही बताओ वोट चाहिए, वोट चाहिए, इतना कह के उन्हें कही देंगे वोट, वोट पड़ जाती तो कोई देखा नहीं जाता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। किसान अब पकड़ है, अब क्या कहे, हम भीख मांगने लगे, अब है अब भीख और मांग ले। जो किसान इस बार है वो कमल के साथ की नहीं है, कहूँ देखा नहीं हुआ तो इलाका है तो उनको ना कोना से चंदेल पुष्पन चंदेल। हाँ, इलाका में कुछ नहीं करूँ, उन्हें नहीं करूँ कुछ नहीं। हमारी बात किसान मरू जा बहन जो 4,000 को कौन टमाटर बेच रहा हो, क्या करे किसान मरेगी जी? ये किसान सम्मान निधि तो देश में कहा 2,000 पट्टी में कहा हो तो आधन के दिए, आधन के नहीं दिए, 5 किलो गल्ला दिए, 10 किलो गल्ला दी, वो खाए की मरेगी क्या करे किसान मरू जा छाती भारत भारत ऐसा तो साइकिल शादी के बहन जो होगा बाद में जी होगा सरकार बल दू चक जी जी को विधायक जी बिल्कुल नहीं आती है और वोट के लिए पाप आती है, कोई सुनाई नहीं करता। आगे कहा करने काम तो दे, अरे काम कुछ नहीं दे, दिखन नहीं जात। भाई साहब तो कह रहे बहुत अच्छी है सरकार, बिल्कुल। स्वागत है जनता का राज में। आज एक बड़ी रैली को संबोधित करके गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं राठ में हूं और ये हमीरपुर ज़िले का एक शहर है और यहीं पर रैली थी। रैली के बाद लोग आ चुके हैं चाय की दुकान पर, रामलीला ये स्थान बचता है, रामलीला मैदान पर हैं हम लोग और चाय की दुकान पर चुनाव की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब रैली के बाद आज की रैली में कितना सारांश था, कितना लोगों के लिए मोदी जी बोल के गए हैं, इन सब बातों पे बात करते हुए मैं माइक दादा की तरफ। दादा गए थे रैली में का? जी हाँ गए थे। क्या कह गए मोदी जी? अच्छा किया उनने, अच्छा किया। हाँ जी, काका कह गए भाजपा के बारे में बताऊँ, भाजपा के तो हाँ तो भाजपा के बारे में तो बताए अच्छी बात करा तो हम किसान ही करते हैं। तो किसानों के लाने का कह गए? वे सुविधा कर गए, नल कूप है, लाइट है जी, सब कुछ कह गए। कह गए हाँ जी यार। भैया आप भी थे रैली में? हम गए थे लेकिन वहाँ से भाग आए थे। भाग आए थे। हाँ। सुना आपने भाषण? नहीं भाषण ऐसा नहीं सुने, जब हम गए थे ना तब वो आए नहीं थे। हाँ। आपने सुना भाषण? नहीं हम भी नहीं, साथ ही में थे। साथ ही में थे। आपका क्या नाम है? रविंद्र। रविंद्र जी गए थे क्या रैली में? रैली गए। रविंद्र जी क्या रहा रैली में, जो मैं लगभग मैं भी वहीं था 40 मिनट बोले, कैसा लगा आपको, क्या सारा रैली में स्पेशली था? उन्होंने जो मेन टॉपिक थे तो उन्होंने महिलाओं को स्पेशली बोला कि महिला सुरक्षा के लिए था, 370 के लिए, और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पे कई टॉपिक किए, कानून के संशोधन के बारे में कुछ टॉपिक किए, बसरते जो मेजर पॉइंट हैं आज के देश में वो नहीं बोले उन्होंने, कहा स्पेशली रोजगार के लिए। आज की डेट में देख लीजिए सबसे ज़्यादा नौकरी की प्रॉब्लम है, मोदी जी होते हैं, कोई भी सांसद होता है, विधायक होता है, इस बात को गुमराह करते सीधे, एजुकेशन के मामले में, सब कुछ के मामले में, हर चीज़ को सीधे स्पेशली बोलते हैं हम स्टार्टअप करिए, स्टार्टअप करिए, लेकिन स्टार्टअप सब कुछ करेगा। हाँ। लेकिन उसके लिए एक माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट जी, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अभी मार्केट में यहाँ पे राठ के क्षेत्र में, महोबा क्षेत्र में क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं है, उन्होंने स्पेशली ना राठ के लिए ना कोई मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा की, काफ़ी लोगों की उम्मीद थी कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए या महोबा में आसपास क्षेत्र में चाहिए, झांसी के अलावा और कहीं नहीं है 150 किलोमीटर तक, और स्पेशली यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल का हब नहीं है कोई ऐसा आसपास कोई हब हो। आप मन में लेकर क्या चीज़ें गए थे कि प्रधानमंत्री मन से? मेरे मन में दो चीज़ थी। हाँ। एक तो ये हमारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, इसको कह रहे थे हम आदित्य विश्वविद्यालय कन्वर्ट करेंगे, बहुत दिन से ले आज तक इसी कोई नहीं हुई है, हर नेता विधायक सांसद को सबको पता है, लेकिन इतने में युवाओं आज काफ़ी विधायक जैसे सांसद किसी ने स्पेशली ये बात मोदी जी के सामने नहीं रखी है, मैं इस बात से नाखुश हूँ, और क्योंकि मैं उम्मीद थी कि मोदी जी बहुत 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हमारे राज क्षेत्र में आए हैं, सबसे उम्मीद थी कि शायद कोई अच्छी मांग रखें या क्षेत्र के लिए स्पेशली रोजगार के लिए या कुछ एम्स कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज कुछ तो ऐसा मिले क्षेत्र के लिए, कोई ऐसा टॉपिक स्पेशली नहीं मिला, बस वही है उन्होंने जो वर्षों से राजनीति चली आई है स्पेशली वही आज भी हुई है। इससे काम चल जाएगा? नहीं होगा, इससे काम नहीं होगा। कितना पॉइंट देंगे, क्या लग रहा है बीजेपी बाहर है इस बार चुनाव से कि अंदर है? अंदर तो है नो डाउट, क्योंकि एक लहर बना रखी है इन्होंने, वो लहर में जीत सकती है, लेकिन जो मेजर पॉइंट पर काम होना चाहिए वो उस पर काम उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। थैंक यू। और जी और एक पॉइंट और है, महिला सशक्तिकरण के लिए हर चीज़ बोला जा रहा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए ये चीज़ है, महिलाओं के लिए सुरक्षा चीज़ कौन है, बस अरे आज के टाइम में एक बात पूछनी है मुझे, पुरुष लोग भी प्रताड़ित हैं, महिलाओं के हक में 50 कानून
कानून है मगर पुरुष के हक में एक भी कानून नहीं है। कोई भी महिला होती है झूठे केस लगाए जाते, बहुत सारे दहेज के दूर में लगे जाते हैं डोमेस्टिक मैर, अगर खाना नहीं बनाना कह दिया सही से तो जाके थाने चली जाए डोमेस्टिक, पुरुष बेचारा बोलता है निर्दोष, लेकिन आज तक कोई नहीं होती है। मैं इस बात पे हूँ हर चीज पे कुछ कानून में संशोधन होना चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए 500 कानून है तो उस तरह पुरुषों के लिए कानून होना चाहिए, कुछ तो कानून होना चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। अब कई महिलाओं आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, इंसान पालता है पोसता है बच्चे बड़े सब कुछ करता है, शादी होने का 10 साल बाद किसी महिला को किसी से प्यार हो गया छोड़ के भाग जाए इंसान घर बर्बाद, कहाँ जाएगा वो, किससे अपनी बात हक की बात रखेगा। ये आज लाखों से कई लाखों केस हैं अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सबसे बड़ी न्यायालय बोल चुके हैं इसमें कोई संशोधन नहीं होता। अभी इन्होंने ये कानून में संशोधन किया है, सेम टू सेम दहेज का इन्होंने सिर्फ कॉपीराइट कर दिया है, सेम कॉपी उतार के वही सेक्शन 85 में लाए हैं, सेम लग दिया, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया। अगर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इनमें कि संशोधन 1 जुलाई से संशोधन कराया तो कुछ भी करो, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ कानून आने चाहिए, पुरुषों के लिए कुछ कानून, ये पुरुषों के लिए वापस आता हूँ, पुरुषों के लिए कुछ कानून आना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं दादा गए थे रैली में, क्या गए थे ना, क्या सुना आपने? सब कुछ सुना, यहाँ युवा वर्ग परेशान है, अच्छा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, किस किस की बात पूछे, सब परेशान है। तो इनके बारे में मोदी जी ने कहा क्या प्रधानमंत्री? कुछ नहीं कहा, ना कहेंगे, तो ऐसे काम चल जाएगा, क्या चलता ही है, क्या चला ही रहा है, कैसे वोट दे दे रही है जनता जब आप कह रहे हैं कि युवाओं की बात नहीं करते, व्यापारियों की बात नहीं करते। जितना भी जितने भी ये नौकरी की जगह निकली सारे पेपर लीक आउट, सब पेपर लीक आउट जो है, ये शासन का काम है। राज के मुद्दे क्या हैं दादा? राज के मुद्दे हैं यहाँ विश्वविद्यालय है। मेन मुद्दा बता रहे हैं जो जनता की नज़र में है, और यहाँ एक रेलवे लाइन और बेरोजगारों को रोजगार, ये सबसे बड़ी समस्या। युवा पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है जी, बिल्कुल अंधकार में है, क्या करेगी युवा पीढ़ी? तो नहीं है खुशी से संबोधन से? बिल्कुल नहीं है। मैं आपके पास फिर से आऊँगा, क्या कह रहे हैं आप? राड जिला होना चाहिए सर। अच्छा गए थे क्या रैली में? हाँ गए थे। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक क्या सुना प्रधानमंत्री जी, क्या कह के गए राड से? क्या तो गए बहुत कुछ, लेकिन उनने जो हम सोच रहे थे कि राड जिला होना चाहिए इसमें कुछ नहीं बोले, इसमें कुछ नहीं, राड को तो कुछ बोले ही नहीं है कि नाम ही नहीं लिया कि क्या, हमीरपुर भर बोला उनने, राड का नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं लिया कि राड क्या चीज है, जब यहाँ आए थे तो उनको कुछ करना था, राड का नाम ही नहीं लिया। भाई साहब कह रहे हैं आप गए थे क्या? हाँ गए थे। वो क्या बोला भाई साहब? नमस्कार। गुटखा खाए हैं कि बोलेंगे ही नहीं? बोलेंगे ही नहीं। दादा बोलोगे कुछ? ठीक है दादा बोल रहे हैं, ये बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, फिर हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ कोई बोलेगा कुछ? किस तरह भैया अगर बोलो कोई बोलेगा तो मैं माइक लेके आऊँ, फिर क्या नाम है आपका? कोई बोलेगा? अरे हम कबूल है, देखो फिर कहते हैं मीडिया आती नहीं है आपके पास, नेताओं की बात सुनते हैं, लेकिन हम तो कैदी नहीं है, लेकिन व्यवस्था ये खराब है कि हमारे अतरौलिया में आज तक नल नहीं आया, बताओ पूरी अतरौलिया खाली गई, कैसे कैसे पानी आता है? फिर पानी आता है, गाय हैंडपम्प चलाते हैं, दूसरे की जगह से पानी भरते हैं, क्या है ये परेशानी? ये परेशानी है, आज तक विधायक ने हमारे यहाँ पे गए ने भी नहीं, समस्या बहुत है, वो समस्या काफी है, चुनाव के बाद कुछ दिखाते भी देते हैं, दिखा नहीं, एक बार पहुँचते हैं उन्हें कही साहब वोट चाहिए, वोट चाहिए इतना कह के उन्हें कही देंगे वोट, वोट पड़ जाती तो कोई देखा नहीं जाता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही नहीं है ना। क्या नाम आपको? हमारा नाम मूलचंद। मूलचंद अगर आप कौन गाँव है आपको? कैसी काय के आए थे? राठे राठे आए थे किसी मोदी जी का काका हाथ काके है गए सो काका कछु नहीं कहो भाई साहब, कुछ नहीं कहो, किसान के बारे में कछु नहीं कहो, किसान को नाम ही लो कहो, चाहिए तो किसानों के बारे में यही उम्मीद से आए थे। हाँ जी हाँ। तो कहो नहीं है तो क्या निराश होगा? निराश है, निराश है। हाँ। किसान आपका कर है? आपका काका है, भीख मांगने लगे अब है, अब आप भीख और मांग ले। तो किसान ही बार है वो कमल के साथ की नहीं है? नहीं है वो नहीं है कमल के साथ, वो कह रहे हो अरे यार डर जाते हो आप। राम राम का नाम है, आ जाओ राम का नाम है, हेलो कहूं ते खंडिया हुआ ते इलाका के कौन को नाम कोना से चंदेल पुष्पेंद्र चंदेल इलाका में कुछ नहीं करूं, नहीं करूं कुछ नहीं, हमारी बात किसान मरो जात बहन जो 4,000 को क्वांटम मटर बेच रहा हूं, का करे किसान मरेगी जिए? तो किसान सम्मान निधि तो देख का 2000 पट्टी में का होता धन के दे, धन के नहीं दिए
पाँच किलो गल्ला दी, दस किलो गल्ला दी, वो खाए की मरेगी क्या करे किसान मर जाए छाती भारत भारत ऐसा तो साइकिल शादी के बहन क्यों होगा बाद में जगह जू हो गए सरकार बल दू चंजी महंगाई हन कहे किसान मरू जात भ्रष्टाचारी में किसान का कोई नहीं सुना, किसान का कोई नहीं सुना था। गरीब आदमी भी मर रहा हो, पिछले 2300 रुपये पिछले मिल रही, गरीब आदमी भी मर रहा हो, क्या करे बताओ, हर चीज तो है यार, महंगाई कितनी है। आप कह रहे 2300 पिसिया है, हाँ। जो किसान उगा रहे उनके एक बीघा, हाँ, एक क्विंटल पिसिया होगा में, एक बीघा में कितनी लागत आ गई, लागत बढ़ गई का, दवाइयों की रेट बढ़ गए, सब कुछ की रेट बढ़ी, लेकिन फसल के नहीं बढ़े, फसल के नहीं, चना मटर है बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, मोदी जी आए न कुछ होता है, न कुछ प्रधान है तो न गाय बैठता है, न कुछ बराबर खेत रखानी पड़ती है। कौन सा गांव है भाई? ओलेरा, ओलेरा। हाँ, तो कछु नहीं कह गए प्रधानमंत्री? कछु नहीं कह गए, उम्मीद कहा थी किसान के पक्ष में, कछु नहीं कह गए। हाँ, तो किसान का है, अब हार को किसान हार हो तो मर रहा हो, अरे विपक्ष में कोई नेता नहीं, मजबूरी है आदमी की, जो वोट दे, कहाँ विपक्ष में, विपक्ष दमदार नन्या सो वोट दे रहे में। हाँ, तो अखिलेश यादव और जी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ये सब लालू के लड़का सब मिलके नहीं लड़ रहे? अरे लड़ रहे, चोर लड़ रहे, ये सब चोर हैं। अच्छा, हाँ, पक्के चोर। ईमानदार को है? ईमानदार मोदी जी है, मोदी जी है, हमारी खेती है। ईमानदार को है? मेरी आज की डेट ईमानदार तो उतना है नहीं है, बट थोड़ा सा काम कर रहे हैं, मोदी विपक्ष में है, लेकिन अच्छा तो विपक्ष में आए तो कुछ और चेक, जब तो विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब सामने बार पार्टी नहीं रख पाएंगी, दिक्कत विपक्ष अपने आप खत्म हो चुका है, तो यही है, ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास, बात ये है। जब आप महिला शक्ति है सशक्तिकरण पे बात कर रहे थे तो मुझे मणिपुर याद आ जाता है, मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं होता है? मणिपुर कितनी घटना नहीं हुई, हजारों आज की डेट में आप पुरुष सोसाइटी देख लीजिए, हर साल लाखों की संख्या बढ़ रहे हैं, आज चेक कर लीजिए, सबसे 3+ आदमी, अगर एक महिला है 3+ आदमी कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, NCERB की डेटा उठा कर देख लीजिए, हर जगह आप पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष कहीं 45 होता है, वो किसी से कह नहीं पाता अपने घर की बात, वो सोचता है अगर मैं किसी से कहूँगा तो मेरी समाज में एज डाउन होगी, हो जाएगी, किसी से वो कह नहीं, खुल के कह नहीं पाता, महिला हर जगह खुल के जाते, महिला के कितनी सारी NGO है, कितने सारे मंच है, महिला मंच चले जाओ, महिला थाना चले जाओ, हर जगह सिर्फ महिलाओं की होती है, ना तो किसी सास की सुनाई होती है, ना किसी बहू की होती है, सिर्फ एक महिला पहुँच जाए सब कुछ वही है। क्या नाम है आपका? नहीं कुछ नहीं, लाखों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो मैं इस समय रामलीला मैदान में हूँ और ये राड का मुख्य इलाका है, यहाँ लोग चाय पीने आते हैं, अगर कोई कुछ दादा आ जाओ, आप कछु कहबो चाहते हो, नाम बता दो आप, हम नाम भर बता दो, ना बोलो सो नाम भर बता दो, दूरम नाम है, दूरम, कौन गाँव है आप? गलिया, गलिया है। दादा कैसे का कह गए मोदी जी? अब हम तो ना रहे, हम कौन हुआ रात के, नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, कौन कौन नेतन के जाना तो हम नहीं जाना था, ओके जान दो, वोट तो देखो ना, देखो वोट पे देखो, वोट देखो, की है लहर है, की है लहर, अब देखो डराओ ना, बता दो। हम और उनके वोट तो भैया हम तो वही में जे हैं, मोदी जी के। अच्छा, अब और उनकी हम कह सकते हैं वही में जे हैं, वही में जे हैं। चाचा का नाम आपको? आप भी उनसे तो पूछ लें, आप नाम बता दो। हम गए नहीं है रैली में। हाँ, तो हमें कौन रैली को पूछ रहे, नाम बताओ आप अपना। नाम सुखदेव सोनी। सुखदेव सोनी, सोनी जी कितनी उम्र है आपकी? हमारी 65। कैसे हैं सांसद जी? ठीक है, ठीक है। राड की जनता खुश है? नहीं, ये राड़ी जनता है, हम अपनी जाना था, हम जनता से नहीं जाना था ऐसा। तो हाँ बता दो, का नाम आपको? रमेश। रमेश, गए थे रैली में? गए थे। सुनिए, का कह गए मोदी जी? बढ़िया, सब कुछ सही कह गए। सब कुछ सही कह गए, का कह गए? आपका करा तो हम फर्नीचर को काम। का कह गए मजदूर अंकिलाने? मजदूर अंकिलाने तो कुछ सुना नहीं दिया सरकार, कुल मिला सरकार आ जाओ, करिए संविधान करती है और भैया मनीषा जी को विधायक जी बिल्कुल नहीं आती हैं और वोट के लिए पाँप आती हैं, कोई सुनाई नहीं करती। कहा करने काम तो दे, अरे काम कुछ नहीं दे, देखन नहीं जात। भाई साहब तो कह रहे बहुत अच्छी है सरकार, बिल्कुल सरकार अच्छी है, सरकार सरकार का पौधा को नाम है, काम तो आदमी का करना है, बिल्कुल करना है, सही बात। अशोक चंदेल जी नहीं जाते, संसद जी पुष्प चंदेल नहीं जात, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जात, चंदाल ले लिया बातें हो रही तो दूर का भाग रहे प्रसाद बलनपुरा। नहीं भाई, हमें तो नहीं जानते कि क्या करते क्या नहीं, कुछ नहीं करते। आपको अच्छी लगी सरकार? हम तो नहीं जानते भाई, मोदी जी है या कोई भी है भाई, जो कुछ करेगा साफ सुथरा करता है, कोई काम अच्छी है, साफ जो काम करता है साफ सुथरा। हमारी जानकारी में नहीं करा, हमारी जानकारी में नहीं करा, ठीक है, साफ सुथरा काम, ठीक है, धन्यवाद।